गुड मॉर्निंग। तो हेलो गैस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक से होंगे। तो चलो भाई, बहुत दिन हो गया, तो आज मैं आपको मजरा का वीडियो दिखाऊंगा कि सऊदी अरबिया में खेती कैसे करते हैं। ठीक है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। उमरा का ब्लॉक है पहले का, तो वो भी दिखा डालूंगा। तो अभी हम दिखाएंगे कि मजरा में, यहाँ पे सऊदी अरबिया में खेती उती कैसे होता है। तो अभी पहले हम नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, थोड़ा बिस्कुट पानी चाय हो जाए, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30-8। तो चलो भाई, बैठ के पानी उनी पीते हैं, उसके बाद से फिर। तो ये है बिस्किट, अभी हम खाएंगे। टी शॉप अबू वलद सैंडविच बिस्कुट। उसके बाद से उधर से घूम घाम के अपना खाने पीने का व्यवस्था करेंगे। ये भी बिस्कुट अच्छा है, जैसे कि अपना इंडिया में है पार्ले जी, सेम टू सेम पार्ले जी जैसा है। चीप एंड बेस्ट प्राइस 1 रियाल का मिलता है। इसमें 2 पैकेट है, एक ये और एक ये। तो कितना बिस्किट है? 1 2 3 4 5 6 6 12, 12 दूना 24 पीस बिस्कुट है। ये बस 6 है, ठीक है, इसमें दो दो जॉइंट है। तो 12 दूना 24 पीस बिस्कुट है 1 रियाल का। ये पड़ेगा इंडिया का 19-20 रियाल। तो अभी हम कुछ खा पी करके फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। बिस्कुट उस्कुट तो खा लिए, अब रेडी करते हैं शॉर्टकट चाय, मतलब कि फास्ट चाय, कितना जितना जल्दी बना लिया जाए। उधर में वाटर कूलिंग मशीन है, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा शुक्कर ले लेंगे। उसके बाद से शुक्कर के बाद थोड़ा सा हम चाय पत्ती ले लेंगे। ये कौन सा चाय पत्ती है? हाई टी, ये चाय पत्ती का नाम ही है। ज़्यादा नहीं, ये कप बनाना है तो एकदम थोड़ा सा। ये हो गया चाय सब, और ये कप है, और ये चम्मच है, इसको अरबी में मेलका बोला जाता है। अब इसको हम लेकर के चलेंगे रूम में। हाँ, तो यही है भाई अपना वाटर कूलर। अभी इसमें पानी गर्म हो चुका होगा। हाँ, गर्म हो गया है। ये रेड वाला बत्ती बंद हो गया है, ये गर्म हो गया। अभी ये ठंडा वाला है, ठीक है, इधर से ठंडा देगा, इधर से गर्म देगा। तो अभी हमको चाय पीना है, तो हम गर्म पानी लेंगे। अभी ये जो चम्मच है इसको थोड़ा मिलाएंगे, थोड़ा और पानी ले लेते हैं। बस अभी इसको ऐसे ही चम्मच से मिलाते चल चलेंगे। अभी देखो भाई, ऐसे 1-2 मिनट कर दो, एकदम ये चाय रेडी हो। ये 5G नहीं है, ये 6G चाय है। 5G फेल है इसके आगे, 5G से भी फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद ये बहुत बढ़िया फूल का गाछ है, लगाए हैं यहीं पे, रूम के बाहर में है मेरा। बहुत अच्छा लगता है। और ये सामने खजूर का गाछ है। चलते हैं आगे, ये पूरा मजरा का दिखा रहे हैं। ये देख लो भाई, यही है मजरा। आज पूरा लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 सब दिखाएंगे उधर से। तो यही है भाई मजरा, ठीक है। ये पीछे उछे का जितना है, ये पूरा नींबू का गाछ है। आम का मोजर उजर फरा है, आम का सीजन आ गया है। और उधर में नींबू का गाछ,
और ऑरेंज भी है और बहुत कुछ है। और इधर केला उला लगा हुआ है। ये है भाई अभी केला का गाछ लगा हुआ है इधर में। बोलता है लोग कि सऊदी के ज़मीन पे ये सब खेती बाड़ी नहीं होता है, यहाँ के ज़मीन पे इतना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस पानी दो अब बढ़िया से, यहाँ पे हर एक चीज़ होगा। ये साइड साइड में जो लगाए हैं ये जीर है, इसको ऐसे ही काट करके वो खाना खाता है लोग, खप्सा उप्सा उसके साथ में खाया जाता है। और इधर में बीच में अपना हम खाने के लिए साग उग लगा दिए हैं कि साग उग होगा खाएंगे। और ये साइड साइड में धनिया पत्ता भी लगाए हैं। इधर में भी हैं। और ये साइड में भी है पूरा धनिया। और ये ही है लाइन पानी का। ये इधर सामने वो खज्जान दिख रहा है गाड़ी के पास में, वही बीर है, कुआं टाइप पे है, उसमें सामरसेबल लगा है, उसी में से पानी अलग तुल आता है। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इसीलिए तो भाई जिसके पास पानी रहता है, बीर रहता है, वही यहाँ पे माजरा करता है, नहीं तो नहीं करता। अरबी लैंग्वेज है माजरा, बगीचा को बोला जाता है। अभी ये देखो आम का मोजर फर रहा है, अभी मोजर लगा है और ऊपर में टिकोरा भी हो रहा है, छोटा छोटा आम, बहुत आम फरता है अभी ये छोटा ही गाछ पे। ये यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा हो गया है आम, इस पे भी काफ़ी है, इस पे भी है, और वो वाला छोटा आम पे अभी नहीं हुआ है आम, उसका आएगा मुमकिन लेट से। और ये यूसुफ है मुमकिन कुछ बोला जाता है, हमको मालूम नहीं है। और इधर में भी पेड़ लगा है, इधर में भी पेड़ लगा है, और यहाँ पे भी नींबू का गाछ है। और ये है ऑरेंज संतरा, संतरा, और ये बीच वाला भी है संतरा, और ये भी है संतरा, और वो लास्ट वाला है लेमन, और बीच में ये खजूर का गाछ है, ये भी लेमन है नींबू। और ये है तूत का गाछ, तूत मालूम है ना, हम लोग बचपन में बहुत खाते थे दूसरे के गाछ से तोड़ तोड़ के, वही तूत है तूत। और ये आम का गाछ है, छोटा भी आम है, अभी ये लग रहा है। और ये है नींबू, और ये वाला भी नींबू है, इस पे नींबू भी फरता है, हम तोड़ तोड़ के खाते हैं, इस पर भी है, देखो नींबू दिखा रहा हूँ, अभी अभी छोटा छोटा है, इधर भी छोटा छोटा है। ये पाइप पूरा टोटल बिछा हुआ है, पानी देने का ज़रूरत नहीं है, एक बार उधर से जाके खज्जान के पास चालू कर दो, ऑटोमेटिक सब में पानी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, पानी चालू करोगे तो यहाँ से इसको ओपन कर दो, इससे पानी आता रहेगा। हर एक गाछ में सब चीज़ में लगा हुआ है। ये भी यूसुफ है, वो नींबू जैसा छोटा छोटा है, उसको खाने में खट्टा खट्टा लगता है। और ये है अंगूर, अंगूर का यहाँ पे मचान बना है ऊपर चढ़ने के लिए। अभी इंशाल्लाह एक दो महीना में ये भी फरेगा। और एक इधर में भी है और एक आगे है, तीन है अंगूर का गाछ।
माशाल्लाह, ये भी नया नया पत्ता निकला है, अभी बारिश हुई थी। देखो आम का गाछ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, छोटा, ये पूरा सेट हो गया है, इंशाल्लाह एक दो साल में हो जाएगा, इंशाल्लाह दो तीन साल में ये भी आम हो जाएगा काम लायक। नींबू का और ऑरेंज का गाछ बहुत ज़्यादा है, और इधर में ये सब फ्लावर्स लगा है, फूल। ये वाइट कलर का होता है, ये वो थोड़ा रेड ब्लू टाइप पे होता है। तो बस इतना ही है, और बाकी का है खजूर है 10-15। और यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है, और ये साइकिल, और वो भी है, ये है खजान टंकी, और वो नीचे वाला जो दिख रहा है लोहा वाला, वही है बीर, इसी में से पानी आता है ऊपर। यही है बीर, इसी में नीचे मोटर लगा है, ये पाइप लिया है, इसी में से नीचे पानी आता रहता है अलातूल। ये पानी कभी ये पानी ख़त्म नहीं होता है कभी। वो देखो पानी के अंदर मेरा चेहरा भी दिख रहा है। और ये लगा है एक पाकिस्तानी है, वो आकर के पानी लेकर के जाता है यहाँ से, वो महीने का सारा देता है, जितना पानी का पैसा हुआ वो दे। बाकी का इधर खजूर लगा है, और यहाँ का मिट्टी बहुत बढ़िया है, और पानी का भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे खेती करो तो बहुत बढ़िया खेती होगा, फसल, खाने पीने का सामान से लेके हर एक चीज़। लेकिन अब कौन करेगा यहाँ पे। तो चलो भाई इतना ही आज के लिए, ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, और ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।